बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने सीना ने एक तजर्बा किया, उन्होंने बकरी के दो मेमने लेकर उनको अलहदा पिंजरों में रखा। दोनों मेमने एक ही उम्र के, एक ही वजन के और नस्ल के थे और दोनों को एक ही किस्म का चारा खिलाया गया। दोनों का एक तरह से ख्याल रखा गया, यानी तमाम हालात बराबर रखे गए। फिर मेमनों के पिंजरों के एक तरफ एक और पिंजरा रखा गया और उस पिंजरे में एक भेड़िया रखा गया। इन मेमनों में से सिर्फ एक मेमना उस भेड़िये को देख सकता था। कुछ महीनों बाद जो मेमना भेड़ियों को देखता था वो मर गया, क्योंकि वो बेचैन, खौफजदा और कमजोर होता गया। अगरचे भेड़िये ने मेमने को कुछ नहीं कहा था, लेकिन मेमना खौफ और दबाव की वजह से मर गया जो उसने महसूस किया। जबकि दूसरा मेमना जो भेड़िये को नहीं देख सकता था, अच्छी तरह से खाता पीता रहा और उसका वजन भी बढ़ गया, क्योंकि वो काफी पुरअमन और पुरसकून रहा। इस तजर्बे में इब्ने सीना ने सेहत और जिस्म पर जहनी दबाव के मुस्बत और मनफी असरात का मुशाहिदा किया। गैर जरूरी खौफ, फिकर, इज़्तिराब और तनाव इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपको जिंदगी की मुश्किलात का सामना करके आगे बढ़ना है, तो आप अपनी राह में आने वाली गैर जरूरी खौफ, फिक्र और दबाव में खुद को कैद ना करें, उनको नजरअंदाज करना सीखें। जो हमारे साथ जो हालात, वाकयात और मामलात पेश आते हैं, वो सब अल्लाह के हुक्म से होते हैं। उसमें कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है जिसका हमको कोई अदराक नहीं। अल्लाह पाक पर भरोसा रखें। मुसीबत, तकलीफ या परेशानी की सूरत में अल्लाह पाक की तरफ रुजू करने का हुक्म है। कुरान पाक में इरशाद होता है, और मुसीबत में सब्र और नमाज का सहारा लो। एक और जगह फरमाया कि बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। बेशक अल्लाह पाक तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह पाक हमें भी दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। आमीन। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।